नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। वक्त हो चला है फटाफट अंदाज में 100 खबरों पर नजर डालने का, और उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से आ रही बड़ी खबर। ठगी करने वाले क्रिप्टो करेंसी के नाम पर देश भर में ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। दरअसल गिरोह का पर्दाफाश हुआ, क्रिप्टो करेंसी के नाम पर देश भर में ठगी की वारदातों को ये अंजाम दे रहे थे। दुबई से इस गिरोह के तार जुड़े हो सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। और DGC और GDC कॉइन के माध्यम से ये इन्वेस्ट करवाया करते थे और बिटकॉइन की तरह फायदा पहुंचाने का लालच दिया करते थे। 10,000 से ज्यादा लोगों की ID बनाई जा चुकी है और हाई प्रोफाइल होटल में ये सेमिनार्स आयोजित किए जाते थे। 5 करोड़ रुपए की ठगी का अब तक हिसाब किताब मिल चुका है। वेबसाइट मालिक और डेवलपर गिरफ्तार कर लिए गए और पूरे मामले में 12 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। भोपाल साइबर क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं, ज्यादा जानकारी के साथ उनसे बात करेंगे। वासु, ये बिटकॉइन जैसे करेंसी का लालच देकर ठगी करते थे, कौन हैं ये लोग और क्या कुछ हैं डिटेल्स इसके बारे में? बिल्कुल, देखिए जो ठग है, जो फ्रॉड्स है और खासतौर पर जो साइबर ठग है, वो बदलती हुई टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना जानते हैं और इसी के बलबूते सीधे साधे लोगों को फंसाने का, उनकी संपत्ति को लूटने का, उनके पैसों को लूटने का, उनके खून पसीने और मेहनत की कमाई को लूटने का काम करते हैं। वेबसाइट डेवलपर के तौर पर ये लोग काम करते थे और अपने गिरोह के चलते, अपने गिरोह के जरिए आम लोगों को फंसाने का काम करते थे। दुबई से इस पूरे मामले के जो तार हैं वो फिलहाल जुड़ रहे हैं। पुलिस ने गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी के जो सुराग हैं वो कहीं ना कहीं पुलिस को मिले हैं और अब देखने वाली बात यह है कि इस पूरे रैकेट में इनका मुख्य सरगना कौन है और इनका ये पूरा रैकेट जो है वो कहाँ तक फैला हुआ है, अपने कितने और ऐसे साथी हैं जिनके जरिए ये लोग इस पूरे क्राइम को अंजाम देने का काम करते थे। बहरहाल पुलिस की ओर से लगातार एडवाइजरी भी जारी करने का काम किया जा रहा है कि इस तरीके के बहकावे में आम लोग ना आए क्योंकि बड़ा नुकसान इससे हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। अब देखना होगा कि इस मामले का खुलासा कैसे हुआ, ये मामला प्रकाश में कैसे आया, क्या कोई शिकायत दर्ज कराई गई थी, लगभग कितने लोग इसका शिकार हुए, क्या इस बारे में भी कोई जानकारी अपने पास? देखिए 5 करोड़ से ज्यादा की ठगी ये लोग कर चुके थे तो निश्चित तौर पर कई ऐसे लोग हैं जो इनसे पीड़ित थे, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी और उन सभी फरियादियों की शिकायत को पुलिस ने पहले तो सिंक्रोनाइज करने का काम किया और फिर जो है तफ्तीश शुरू की गई। पुलिस को अलग अलग तरीके से सुराग मिले और साइबर पुलिस ने इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। ये पूरा का पूरा जो गिरोह है वो पकड़ में आ गया है। अब इनसे विस्तृत रूप से जो पूछताछ है वो आने वाले समय में की जाएगी और जिसमें कई और बड़े खुलासे होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे नेटवर्क के तार जो हैं वो दुबई से जुड़ रहे हैं, यानी कि ना सिर्फ भारत में बल्कि दुबई में बैठे हुए लोग भी भारत के लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे हैं। और वहां से हैंडल करना ज्यादा अपेक्षाकृत आसान होता है इस तरह के ठगों के लिए। वासु, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे डिटेल्स आपसे लेंगे।